हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भरत मुनि के बारे में बताएंगे, जो नाट्य शास्त्र की रचना जिन्होंने की थी भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र के बारे में भी। तो भरत है कौन? तो भरत जो है ये ब्रह्मा के शिष्य माने जाते हैं भरत मुनि। इन्होंने संगीत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसकी रचना की थी। तो शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र की जो रचयिता है भरत मुनि के समय काल के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, मतलब बहुत सारे विद्वानों के मत हैं। कोई चौथी शताब्दी मानता है, कोई तीसरी, कोई दूसरी शताब्दी, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा और हर बुक में लगभग चौथी शताब्दी ही मिलता है। तो चौथी शताब्दी यही सही, ज़्यादा सबसे सही यही माना जाता है चौथी शताब्दी इनका काल। इनके समय काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच माना गया है। नाट्य के आदि प्रयोक्ता भरत को ब्रह्मा का शिष्य माना जाता है। देखिए, ये एक पॉइंट है कि ब्रह्मा का, भरत जी को, भरत मुनि को ब्रह्मा का शिष्य माना जाता है। चौथी शताब्दी इनका समय काल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भरत को नाट्य शास्त्र की सभी विधा, कला, शिल्प, ज्ञान, योग आदि के संपूर्ण संग्रह का प्रणेता माना जाता है। नाट्य शास्त्र की जो सभी विधा है, जैसे कला हो गई, शिल्प, ज्ञान वगैरह के, इनको जो है सभी चीज़ों का प्रणेता माना जाता है। शारदा तने ने भाव प्रकाशन में भाव राग ताल के प्रथम अक्षरों से भरत का उल्लेख किया है। अब उन्होंने क्या भरत का मतलब कैसे बताया? शारदा तने हैं, उनकी जो पुस्तक है भाव प्रकाशन उनकी पुस्तक है, तो उनमें उस भाव प्रकाशन में जो भाव शब्द, राग शब्द, ताल, इनका प्रथम अक्षर ले लिया है। भाव का भा ले लिया है, राग का र ले लिया है, और ताल का त, तो भ र त, तो भाव राग ताल से ही उन्होंने भरत का उल्लेख कर दिया है शारदा तने जी ने। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय नाट्य परंपरा में आदि भरत का उल्लेख, भरत का महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा ने नाट्य वेद की जो रचना कर भरत को नाट्य की शिक्षा देकर उन्हें नाट्य प्रयोग के लिए निर्देश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भरत को नाट्य वेद की शिक्षा दी थी उन्होंने, और उन्हें मतलब नाट्य शास्त्र की रचना के लिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ही भरत जी को ये निर्देश दिया था कि आप नाट्य शास्त्र की रचना कीजिए, और उन्होंने नाट्य प्रयोग के लिए निर्देश दिया ब्रह्मा जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार, भागवत और जो विष्णु पुराण है हमारा, उसके अनुसार जो भरत जी थे वो मनुवंशी राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। वे ब्रह्मवर्त से वैशाली पुल्हाग्रह में चले गए थे, कौन? भरत जी, और वहाँ से दक्षिण कर्नाटक चले गए। दक्षिण कर्नाटक में ही उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र की रचना कहाँ की गई, तो दक्षिण भारत कर्नाटक में, ठीक है, दक्षिण कर्नाटक में नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी, भरत मुनि ने की थी। इसलिए आज भी कर्नाटक नृत्य जो है भरतनाट्यम के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए भरतनाट्यम के नाम से कर्नाटक में भरतनाट्यम के ही नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि नाट्यशास्त्र की रचना जो की थी वो दक्षिण भारत कर्नाटक में हुई थी, ठीक है, कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक नृत्य, कर्नाटक का जो नृत्य है भरतनाट्यम के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्यशास्त्र का प्रथम जो है प्रणनयन सदाशिव ब्रह्मा और अंत में भरत ने किया था। ये देखिए, अभिनव गुप्त जो है, इनके अनुसार जो नाट्यशास्त्र का प्रथम प्रणनयन था वो सदाशिव ब्रह्मा ने किया था, और अंत में, लास्ट में, भरत जी ने किया था। नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भरत के नाट्यशास्त्र है, संगीत की महत्वपूर्ण रचना है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है संगीत का। संपूर्ण भारतीय साहित्य में यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत, नाट्य और नृत्य एवं काव्य का सर्वप्रथम प्रौढ़ विवेचन पाया जाता है, मतलब बहुत डिटेल में, डीप में इनके बारे में मिलता है नाट्य शास्त्र में। हमें नाट्य के बारे में, नृत्य के बारे में और काव्य के बारे में भी चीज़ें मिलती हैं। तो जो भरत का काल है वो चौथी शताब्दी माना जाता है, और कुछ मत से भरत का एक काल ईसा से पूर्व का है, लेकिन मोस्टली चौथी शताब्दी ही माना गया है, क्योंकि भरत एक गोत्रवाची नाम हो गया था, अतः आदि भरत अवश्य ही रहे होंगे। फिर है तत्कालीन गायन पद्धति, गीत प्रकार,
गायक वादकों के गुण, अवगुण, वाद्य प्रकार, वादन, वाद्य वादन की विधि, नृत्य प्रकार इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में हुआ है। अब जो नाट्यशास्त्र है इसमें टोटल 36 अध्याय हैं, नाट्यशास्त्र में टोटल 36 अध्याय हैं और म्यूजिक से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे पढ़ने गायन पद्धति उस टाइम कैसी थी, गीत प्रकार मतलब कौन कौन से गीत के प्रकार थे, गायक वादकों के गुण, गायक के गुण क्या थे, वादकों के क्या गुण थे, अवगुण क्या थे, किस प्रकार बजाया जाता था, इनकी वादन विधि, नृत्य प्रकार किस किस प्रकार के नृत्य होते थे, वीणा के प्रकारों का वर्णन और गायक वादकों की वृंद सज्जा का वर्णन, मतलब बहुत सारी डिटेल में नाट्यशास्त्र में बताया गया है। जो भरत मुनि थे, नाट्यशास्त्र का काल जो है 200 से 400 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें टोटल 36 अध्याय हैं, 36 लेसन्स हैं। अंतिम अध्याय, अंतिम मतलब 28 से, टोटल 36 अध्याय हैं तो जो 28वां अध्याय है, 28 से लेकर 33 अध्याय तक, मतलब 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 6 अध्याय जो टोटल हैं 28 से 33 तक के 6 अध्याय जो हैं, इनमें इसमें पूरा, ये पूरा संगीत में है, इसमें पूरे संगीत से रिलेटेड चीज़ें इसी में बताई गई हैं। 28 से 33 तक के अध्यायों में संगीतबद्ध चीज़ें हैं, संगीत से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। आगे पढ़ेंगे जो नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय है, क्योंकि 28वां अध्याय 28 से ही शुरू होता है संगीत वाली चीज़ें, संगीत के बारे में हमें 28वें अध्याय से ही पता चलना शुरू कर होता है। तो जो 28वां अध्याय, इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति भेद, जाति भेद के जो 10 लक्षण हैं, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, षाडत्व, औडत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है। फिर से बोलती हूँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है, एक बार नहीं कई बार ये पूछा है अलग अलग एग्जामों में, कि जो नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय है उसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति भेद, उनके लक्षणों का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है। तो 28वां अध्याय जो है नाट्यशास्त्र का, उसको उसमें हमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना इत्यादि का वर्णन मिलता है। अब आते हैं 29वें अध्याय में, जो 29वां अध्याय है हमारा, उनमें विभिन्न प्रकार की वीणाओं का वर्णन मिलता है और उनकी वादन विधि का वर्णन मिलता है एवं जातियों में रसानुकूल प्रयोग का विवरण मिलता है कि जातियों में किस प्रकार रस का प्रयोग होता था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 29वें अध्याय में विभिन्न प्रकार की वीणा और उनकी वादन विधि का वर्णन किया गया है, ठीक है। उस टाइम में किस किस टाइप की वीणा प्रयोग होते थे, कितने प्रकार के, कितने तार थे उसमें, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं 29वें अध्याय में। 30वां अध्याय में, 30वां अध्याय जो, उसमें शुशिरवादों का वर्णन किया गया है। शुशिरवाद को, 30वां अध्याय जो हमारा, उसमें शुशिरवादों का वर्णन किया गया है। इकतीसवां अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण किया गया है। जितने भी विभिन्न ताल उस टाइम यूज किए जाते थे, प्रयोग में किए लाए जाते थे ताल का, तो विभिन्न तालों का विवरण और लय का विवरण, ताल और लय का विवरण जो है 31वें अध्याय में हमें मिलता है। 32वें अध्याय में आते हैं, 32वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वें अध्याय में गायन वादन के गुण, ये भी कई बार पूछा है, जो गायन वादन के गुण हैं वो किस अध्याय में बताए गए हैं, और ध्रुव के 5 भेद और छंद आदि का वर्णन जो है हमें 32वें अध्याय में मिलता है, ठीक है। 32वें अध्याय में गायन वादन के गुण, ध्रुव के 5 भेद और छंद आदि का वर्णन 32वें अध्याय में मिलता है। 33वां अध्याय जो है हमारा, हमारा जो 33वां अध्याय है, 33वें अध्याय में अवनद्य वादों की उत्पत्ति और उनकी वादन विधि और वादकों के लक्षण आदि का वर्णन 33वें अध्याय में मिलता है। 33वें अध्याय में क्या है, अवनद्य वादों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, तो अवनद्य वादों की उत्पत्ति और उन जो है वादन विधि, अवनद्य वादों की उत्पत्ति और उनकी वादन विधि का वर्णन 33वें अध्याय में किया गया है। तो ये थे भरत मुनि और उनका, उनके द्वारा रचित जो है नाट्यशास्त्र, उसके बारे में था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।